दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन चैनल में। आज की जो वीडियो दोस्तों सैनिक भाइयों से रिलेटेड है, फौजी भाइयों से रिलेटेड है। उनके लिए सरकार ने एक संशोधन को मंजूरी दी है जिसमें उनको 4 गुना फायदा होने वाला है। यहाँ पे 8 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में बात आएगी। जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के अपडेट पाने के लिए। ज़्यादा देर न करते हुए न्यूज़ पे चलते हैं और पढ़ते हैं इस न्यूज़ को क्या है। युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवार को मिलेंगे 8 लाख रुपए की सहायता राशि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है मंजूरी। तो दोस्तों जो पहले युद्ध में जो घायल सैनिक थे, भारतीय सेना के जवान जो घायल हो जाते थे, डिसेबिलिटी हो जाती थी, उनको 2 लाख रुपये मिलते थे और उस राशि को सरकार ने 4 गुना बढ़ा दिया, यानी 8 लाख रुपये अभी कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं एक बार कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की दीर्घ लंबित मांग स्वीकार करते हुए युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की मंजूरी दे दी है, जिसको 2 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि वहाँ आर्थिक सहयोग युद्ध के हताहतों के लिए बनाए गए सैनिक कल्याण निधि यानी ABCWS के तहत दिया जाएगा, यानी आर्मी बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड के तहत दिया जाएगा। अभी युद्ध में शहीद होने वालों और 60% या उससे अधिक अपंगता झेलने वालों के अलावा कई अन्य श्रेणी के तहत आने वाले सैनिकों को 2 लाख रुपए तक की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अभी उसको बढ़ा के दोस्तों 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यह मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अलावा दी जाएगी। यानी ये जो राशि होगी ये इनसे सब अलग होगी। ये राशियां आपको जो सेना की सामूहिक बीमा है, सेना कल्याण निधि है, उसके अलावा पेंशन है, ये सब अलग होंगे और ये राशि उनसे अलग होगी। रक्षा मंत्री के एक प्रवक्ता ने कहा कि रक्षा मंत्री ने युद्ध में हताहतों की सभी श्रेणी के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अपडेट है सैनिक भाइयों के रिलेटेड, और इसमें राजनाथ सिंह ने जो इनिशिएटिव दिखाया है वो काबिले तारीफ है। उन सैनिक भाइयों के लिए जो लोग की कैजुअल्टीज हो जाते हैं, बैटल कैजुअल्टीज हो जाते हैं, जिन लोगों को जो पहले 2 लाख रुपए मिलती थी अभी उनको 8 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे और ये राशि उनकी नेक्स्ट ऑफ किन को दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।